कुछ दिन पहले मैंने इस बाइक का फुल इंजन बनाया था, जिसमें कि हमने वीडियो भी डाला यूट्यूब पर और फेसबुक पर। और उस समय हमने कह भी दिया आप सभी से कि इस बाइक का जो है जीपीडी पिनियन आवाज़ कर रहा है। चलिए फिर से मैं इसे चलाकर देखता हूँ, और जीपीडी पिनियन अभी आवाज़ कर रही है, और ये आवाज़ अब मुझे ख़त्म करना है। हमने पिनियन जो है वो ले आया है, जीपीडी जो गाड़ी होता है गियर प्राइमर ड्राइव, वो हमने न्यू लेकर आ गया, और इसमें हमें लगाना है। तो सबसे पहले इसका आवाज़ आपको सुनाते हैं, और लगाने के बाद भी आपको आवाज़ सुनाएंगे। लगाया, ये देखिए गियर लगा के जब हम आई की ओर भगाते हैं तो ये आवाज़ आता है, हन जैसा आवाज़ आता है। तो जीपीडी की आवाज़ जो है जब गियर लगा के आगे भगाते चलाते तभी आवाज़ करता है, न्यूट्रल में आवाज़ नहीं करता, गियर में ही वो आवाज़ करता है। और वो जीपीडी गाइस ये क्लच साइड में लगता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पार्ट्स। तो गाइस हमें इस जीपीडी पिनियन को लगाना है, देख सकते हैं ये हीरो का जैनविन है, हीरो का जैनविन। यहाँ पर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको दाग दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब बाकी इसे हम लगाएंगे तो आवाज़ जो है डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। मैं न्यू वाला लगा दिया, ये पुराना वाला देख सकते हैं। तो इस तरीके से जीपीडी पिनियन को हमने इसमें लगा दिया, अब पारी है बाइक चेक करने की। चलिए बाइक को चेक करते हैं और देखते हैं ये आवाज़ ख़त्म हुई या नहीं। तो जीपीडी की जो आवाज़ है पहले से पूरा बदल चुका है, जरा से भी साय की आवाज़ अब नहीं रही इसमें। ये देखिए मैं जब आगे भगाऊंगा तो साय वाली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपने बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ हमने दिखा दिया, पुराना वाला जो जीपीडी था वो आवाज़ कर रहा था, और नया वाला जब मैंने जीपीडी लगाया तो आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके से सभी बाइक्स में जीपीडी लगता है, और सभी बाइक्स की जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हीरो की सभी बाइक्स में दिक्कत है, जैसे कि 110 सीसी हो गई, 100 सीसी हो गई, होंडा की होंडा शाइन बाइक में ये दिक्कत है, और भी टीवीएस बाइक जैसे हो जाता है, जितने भी बाइक्स है ना सभी में ये दिक्कत है, ये जीपीडी आवाज़ करता है। तो सब जीपीडी का प्राइस जो है अलग अलग होता है, गाड़ी के हिसाब से प्राइस होता है। जैसे कि इसका जो प्राइस था 374 रुपये था, ये पुराना MRP था, और यही अगर होंडा शाइन बाइक में लगाएंगे तो आपको 646 देना पड़ेगा, और अगर टीवीएस बाइक में लगाएंगे तो 530-535 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो गाड़ी के हिसाब से अलग अलग इसका रेट होता है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपके बाइक में भी ऐसा साउंड है तो मैकेनिक के पास ज़रूर जाएँ, मैकेनिक चला कर ही बताएगा कि जीपीडी की साउंड है या नहीं। अगर साउंड है तो आप बदलवा सकते हैं। वैसे कहा जब BS6 बाइक आती है तो इसमें साउंड रहता है, तो इसमें आपको बदलवाने की ज़रूरत नहीं।